नमस्कार द फिल्म में आपका स्वागत है मैं पूर्वा मंधानी और मेरे साथ हैं हमारे एडिटर प्रवीण स्वामी और हम दोनों एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं हमारा ये शो लेकर जिसका नाम है संकट सुरक्षा और स्वामी आज के एपिसोड के लिए हमने आपके सामने जो सवाल रखा था वो एक बार फिर पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था सवाल था कि पाकिस्तान में जज आखिर क्यों आई से खफा नजर आ रहे हैं प्रवीण शो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए कि वहाँ के जज आखिर क्या कर रहे हैं और क्यों खफा हैं आई आई से Uh, पिछले हफ्ते गए हफ्ते में uh, अलग हाई कोर्ट के जजेस ने साथ मिलकर एक चिट्ठी लिखी चीफ जस्टिस काजी फैजीसा को हुँ. ये कहते हुए कि आईएसआई एस उन पर अलग अलग मामलों पे दबाव डाल रही थी और जुडिशल वर्किंग में इंटरफियर कर रही थी जी. अब एग्जैक्टली exactly आईएसआई ने किस बात पे किस जज के साथ क्या किया ये हमें नहीं पता है uh, इस चिट्ठी में कोई ऐसे डिटेल्ड इंसिडेंट्स uh, का लिस्ट नहीं है लेकिन ये कहा जाता है कि आईएसआई ने जजेस पे दबाव बेल से लेके केसेस के हैंडलिंग तक कई मैटर्स में हाईकोर्ट्स में इंटरफियर किया है जी। ये कोई ऑफ़ कोर्स पाकिस्तान में नई बात नहीं है आईएसआई क्योंकि वो आ, पाकिस्तान आर्मी का एक हिस्सा है और पाकिस्तान आर्मी सबसे बड़ी उस मुल्क की इंस्टीट्यूशन है लगभग हर चीज़ में घुसपैठ करती है इकोनॉमिक्स से लेके इलेक्शंस तक तो अब नई बात यह है कि जजेस ने पब्लिकली ये चिट्ठी लिखी है कुछ इस इस, इस इनकी चिट्ठी में एक लग, आ, हाई कोर्ट एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की तरफ उनने इशारा किया है Uh, जिसमें एक जज जस्टिस सिद्दीकी जो हटाए गए थे आई के दबाव के वजह उनको री किया गया और इन जजेस ने डिमांड किया है कि एक जुडिशल काउंसिल बनाया जाए जो इन सारे एलिगेशन को एग्जामिन करेगा और अप्रोप्रियट एक्शन लेगा अब ये ऑब्वियसली पाकिस्तान की मिलिट्री का बहुत बड़ा इंडाइटमेंट है लेकिन सरकार का भी इंडाइटमेंट है नई नई अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है, है और उसमें वैसे ही कहा गया था कि आर्मी और आईएसआई ने ब्लेटेंट रिगिंग की थी अब ये बात सामने आ रही है कि वो कोर्ट्स के कोर्ट में भी दखल अंदाज कर रहे हैं तो बहुत बड़ा चैलेंज है और आ, लगता है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस काफी वक्त से चल रहा है वो अब दोबारा मतलब रीइग्नाइट हो गया है इलेक्शन से ख़त्म होने की जगह उसको एक नया लाइफ मिल गया है इसी के साथ सवालों से शुरुआत करते हैं पहला सवाल आ रहा है ललित का वो बोल रहे हैं कि देखा गया है कि बहुत से नेताओं का पतन न्यायालय से टकराव के बाद हुआ मुशर्रफ नशीद राजपक्षे चाहे वे सही हो या गलत क्या न्यायपालिका पाकिस्तान में अभी भी वो दम रखती है कि व्यवस्था के खिलाफ खड़ी हो या फिर वो खुद व्यवस्था का एक हिस्सा है भाग है और ये बस नूरा कुश्ती है Uh, देखिए पाकिस्तान में एक्चुअली कहानी कुछ गंगा उल्टी बही है uh, पाकिस्तान में भारत में जो जुडिशरी की एक बहुत एलिवेटेड पोजीशन थी आज़ादी के बाद और बहुत हाई रिस्पेक्ट दिया जाता था वो पाकिस्तान में कभी था नहीं uh, और सर्टनली उन्नीस के बाद जब जुल्फ़ार अली भुट्टो साहब के प्राइम मिनिस्टर बने लगातार कम होते गया और जब वो कुब में हटाए गए और उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया और कोर्ट्स ने वो रबर स्टैम्प लगाया उस पर तो जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो ख़त्म ही हो गई अब उस केस में पाकिस्तान के जजेस ने एक बहुत नटोरियस जजमेंट दिया था डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन हो ना हो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ भी वो प्रोविजन्स uh, हों Uh, वो डॉक्टर ऑफ नेसेसिटी के सब्सर्वियट थे और जो वक्त की जरूरत थी uh, वो लेजिटिमेट एक बेसिस था जो बेसिकली एक ग्रीन लाइट थी कि जो कू कर ले uh, वो कॉन्स्टिट्यूशन को कबाड़ में फेंक दे सकता है और नेचुरली uh, उस वक्त के कलंक को uh, मिटाना जुडिशरी के लिए बहुत मुश्किल रहा है Uh, लेकिन काफ़ी वक्त से पाकिस्तान के जजेज और जुडिशरी अपने आप को असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जी। अब सही गलत जैसे आपने कहा इस पे दो राय हो सकती है कि सही कर है, गलत कर रहे हैं गलत कर रहे हैं और बाकी कंट्रीज़ में भी मेरे ख्याल से हमारे रीजन में एक फीलिंग आ गई है कि अगर जुडिशल सिस्टम अपने आप को असर्ट ना करे तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ और प्रोविजंस जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और कोई नहीं रहेगा और अगर वो वैल्यूज़ प्रोटेक्ट ना हुए तो आगे आ, सिर्फ पोलिटिकल केस है अब पाकिस्तान में मेरे ख्याल से पिछले ये एक साल के घटनाओं के बाद जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हटाए गए आ, फिर बहुत सारा सड़कों पे गदर हुआ आ, और एक इलेक्शन हुआ जिसमें रिगिंग हुई है मेरे ख्याल से जुडिशरी में ही एक बहुत ही फीलिंग आ गई है कि अगर वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को असर्ट ना करे तो पाकिस्तान कभी वो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ नहीं बना पाएगा जो इसको इस आर्थिक इंक्लूजन से निकाल सकता है जी। अब हर एक ज्यूडिशियल इंस्टीट्यूशन में मेरे ख्याल से एक माइनॉरिटी ऑफ जजेस ही होते हैं जो हिम्मत रखते हैं ऐसे झगड़े में जुड़ जाने का या शामिल होने का लेकिन इस ग्रुप में काफ़ी सारे यंग जजेस हैं जिनके अच्छे जुडिशियल करियर्स थे एकाद है जिसका रेपुटेशन मतलब हमेशा अच्छा नहीं रहा है लेकिन बाकी रेस्पॉन्सिबल सोबर जजेस ही माने जाते हैं और अगर ये कह रहे हैं तो अनडाउटडली वो चीफ जस्टिस पे काफ़ी काफ़ी दबाव बनेगा कि वो कम से कम कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करें जी अगला सवाल सत्यम का लूंगी वो बोल रहे कि मुझे ये जानना है कि पाकिस्तान में जुडिशरी की क्या औकात है या ये भी पाकिस्तानी सरकार के ही तरह जनरलों की कटपुतली ही है क्या आज तक कभी भी कोई जज पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है जैसे हमारे देश में जुडिशरी एक्शन लेती है इनका एक और सवाल है जो इन सवालों के बाद दूसरे पे। जी। पे। हाँ जी ठीक है सत्यम जी ये फैक्ट है कि पाकिस्तान की जुडिशरी कटपुतली ही रही है जैसे मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर भुट्टो के एग्जीक्यूशन के बाद इसकी रेपुटेशन बिल्कुल नीचे गिर गई थी जो थोड़ी बहुत थी लेकिन पिछले कई का, का, वर्षों से देख रहे हैं हम कि काफ़ी सारी पाकिस्तानी जजेस पुश बैक कर रहे हैं तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ के टाइम ही तब के चीफ़ जस्टिस ने बहुत सारे ऑर्डर्स दिए जो जनरल मुशरफ़ की गवर्नमेंट को खोखला कर दिया जैसे पहले भी कह रहा था इसमें दो राय हो सकती है कि वो सही कर रहे थे या गलत कर रहे थे लेकिन असर्ट कर रहे थे अपने आप को एक लॉयर्स मूवमेंट बहुत बड़ा हुआ था जिसके वजह जनरल मुशर्रफ़ को अपनी मिलिट्री सीट छोड़ के प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनना पड़ा उनकी अनरेवलिंग उस लॉयर्स मूवमेंट के वजह हुई और अब हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ैज ईसा जो है Uh, वो ही uh, काफ़ी प्रॉब्लम्स uh, में अपने आप को प्रॉब्लम्स में पहुंच गए थे जब uh, 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 पिछले गवर्नमेंट के होते हुए लेकिन उनने अपना पोजीशन बचाया और आर्मी के अगेंस्ट काफ़ी सारे ऑर्डर्स दिए हैं ख़ास तौर से लैंड इशू पे ची. तो बहुत मुश्किल सवाल आर्मी से पूछे कि सिविलियन लैंड जो अक्वायर किया गया मिलिट्री यूज़ के लिए वो क्यों हाउसिंग कॉलोनीज और बिजनेस प्रेमिस चलाने के लिए यूज़ uh, किया जा रहा है तो ऐसी बात नहीं है कि कोई जज पाकिस्तान में नहीं है जो ईमानदार हैं और आ, 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 ए, सिस्टम से टक्कर लेने को तैयार है आ, और इतिहास में पहली बार ऐसे हो रहा है कि छः जजेस ने ऐसे कोई चिट्ठी लिखी हो जिसमें डायरेक्टली इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के इंटरफेरेंस की बात हाईलाइट की हो एका जज ने पहले भी ये बातें करी हैं पहले भी इश्यूज़ रेज की हैं बट ये मेरे ख्याल से साफ दिखता है कि अब एक जज अगर जज एक ग्रुप बना 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 के चीफ़ जस्टिस को लॉबी करने के लिए तैयार हैं तो डेफिनेटली कुछ चेंजेस उस सोसाइटी में आ रही हैं जिन जो हमें आंखें खोल के देखनी चाहिए मेरे ख्याल से इंडिया में पाकिस्तान के एनालिसिस में एक शायद थोड़ी सी कमी है क्योंकि हम थोड़ी दूरी पे हैं हमारे जर्नलिस्ट वहाँ पोजीशन नहीं है हमारी सिविल सोसाइटी के साथ बहुत कम लेना देना है कि जब परिवर्तन आते हैं पाकिस्तान में तो हम बहुत देर बाद उन्हें पहचान पाते हैं uh, हम हमेशा uh, जो 20 साल पहले हो रहा है उसी टेम्पलेट को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और जैसे कि मैंने कहा इसकी कई वजह है हमारी वो डीलिंग नहीं है uh, हम जो पाकिस्तान को जानते हैं अखबारों के थ्रू ही जानते हैं ना कि uh, डेली इंट्रैक्शन uh, से yeah. uh, लेकिन मेरे ख्याल से कम से कम मेरे दिमाग में अब कोई शक नहीं है कि इमरान खान के सरकार के गिराए जाने के बाद और ये इलेक्शन के रिगिंग के बाद ये सारी इकोनॉमिक मुश्किलों के वजह पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और पावर कन्फिग्रेशन में फ़र्क आया है मैं ये नहीं कह रहा कि आर्मी का रूल पूरी तरह वहाँ ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने वाला है लेकिन डेफिनेटली सोसाइटी के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस और सेक्शंस जो हैं वो अपने आप को असर्ट करने लगे हैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग जंक्चर पे हम आए हैं अब आ, अब देखना पड़ेगा काज़ी फैजी सा क्या करते हैं आ, वो हमेशा एक ईमानदार जज माने गए हैं अपने आप विक्टिम रहे हैं सिस्टम के आ, आ, क्या वो इन जजेस को सपोर्ट करेंगे या कोई बीच में निकलने और इस मामले को दबा देने का रास्ता खोजेंगे ये देखना पड़ेगा लेकिन डेफिनेटली एक फ़र्क आया है कि आर्मी जो चाहती है वो शायद अब देख रही है कि अपना बस हमेशा नहीं चला पाएगी जी इनका जो दूसरा सवाल था ये बोल रहे स्वामी सर एक थोड़ा सा अलग सवाल है जो मैं बहुत दिन से पूछना चाह रहा था लेकिन कभी भी ये शो पे सवाल पूछा नहीं गया मुझे आप ये बता सकते हैं कि आखिर हर देश में आर्मी ही मिलिट्री कोर्स क्यों करती है मिलिट्री के दूसरे फर्से जैसे एयरफोर्स और नेवी क्यों नहीं मिलिट्री को करते हैं पाकिस्तान में भी क्या मिलिट्री के तीनों फरसे का राज है या सिर्फ आर्मी का राज है अगर सिर्फ आर्मी का राज है तो पाकिस्तान में तो फिर मिलिट्री के दूसरे फरसे क्या आर्मी के राज को एक्सेप्ट कर लिया है या नहीं तो सबसे पहले सत्यम जी मैं कहना चाहूँगा कि मुझे सर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है अपूर्वा को भी कहते रहता हूँ मेरे ख्याल से अगर आप प्रवीण कह लें या इज़्ज़त दिखाना चाहते हो तो प्रवीण जी कह ले तो बहुत होगा मुझे सर करने की ज़रूरत नहीं है मैं, बट खैर मिलिट्री uh, कूज़ पे बहुत बड़ा लिटरेचर है अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो डॉक्टर आयशा सिद्धि का एक पाकिस्तानी एकेडमिक है जिनने बहुत पाकिस्तान आर्मी और उसके कंपैरिजन में कई सारे और अथॉरिटेरियन स्टेट्स के आर्मीज़ पे लिखा है और ये कूज के सवाल पे भी लिखा है जी। uh, तो बेसिकली uh, आर्मी की इम्पोर्टेंस इसमें यही है कि आर्मी हर मुल्क में सबसे बड़ी फोर्स होती है हुँ. उसके फोर्सेज ऑन ग्राउंड डिप्लॉय होते हैं तो उसको पोलिटिकल सिस्टम में इंटरवीन करना आ, सबसे आसान है और कई स्टेट्स में आर्मी का सिविलियन लाइफ में वैसे ही बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ काउंटर इंसर्जेंसी इन सारी चीज़ों में आर्मीज धीरे धीरे सोसाइटी के साथ उन उनकी डीलिंग्स बन जाती है एक तरह से जो नेवी में और एयरफोर्स में नहीं होता है इसमें एक्चुअली इंडिया में भी बहुत कंसर्न रहा है कई सालों से कि क्योंकि हमारी आर्मी लगातार कई दशकों से काउंटर इंसर्जेंसीज़ और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस में इन्वॉल्व रही है तो क्या उसके मॉरल फैब्रिक में और सोशल फैब्रिक में क्या ऐसे परिवर्तन आए जिससे आर्मी की एफेक्टिवनेस डिग्रेड हो गई है और बहुत सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स आपको आंसर देंगे कि हाँ ये एक प्रॉब्लम रहा है लेकिन पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में जहाँ शुरुआत से ही आर्मी सिविल लाइफ में इन्वॉल्व हो गई पाकिस्तान में जो पहले पहले डिस्टर्बेंसेस थे इंडिपेंडेंस के बाद एंटी अहमदिया मूवमेंट एक शुरू हुआ था बहुत बड़ा हो गया था लाहौर में दंगे हुए थे आ, और आर्मी को बहुत जल्दी सिविल सोसाइटी में डिप्लॉय करना पड़ा जिससे आर्मी के कुछ कमांडर्स को ये फीलिंग आई कि ये सिविलियंस देश को संभाल नहीं सकते और हम इनसे बेहतर हम चला सकते हैं तो um, uh, लगातार आर्मी के पॉलिटिकल uh, लाइफ में इन्वॉल्वमेंट के वजह उसकी एक अहमियत बन गई है जी। और वो एक इफ यू लाइक फर्स्ट अमंग इक्वल्स एक इंस्टीट्यूशन बन गए जैसे हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव जुडिशरी और लेजिस्लेचर होती है वहाँ उसमें एक चौथी आप जोड़ दें आर्मी जो बाकी तीन से कहीं ज़्यादा बड़ी रही है इसमें यह भी एक वजह जा, जा, कही जाती है कि क्योंकि पॉलिटिशियंस जो ज़्यादातर मुस्लिम लीग के बड़े पॉलिटिशियंस थे आ, वो उनकी होल्ड ज़्यादा यूनाइटेड प्रोविंसेस जो अब उत्तर प्रदेश है उसमें थी ना कि उन प्रांतों में जहाँ पाकिस्तान बाद में जाके बना तो शुरू से पॉलिटिशियंस की उतनी होल्ड और पावर नहीं थी जो भारत में थी लेजिटिमेसी नहीं थी आवाम में तो आर्मी को उस वजह भी एक इन्फ्लुएंस आउटसाइज इन्फ्लुएंस मिल गया क्योंकि वही एक वहद इंस्टीट्यूशन थी जिसका देश भर में प्रेजेंस था और और होल्ड था और जो अपना दबाव समाज पे लगा सकती थी खैर जो भी वजह हो एयरफोर्स और नेवी एक तो छोटे होते हैं दूसरे उनकी ऑन ग्राउंड इन्वॉलमेंट कम रहती है और तीसरा उनके समाज के साथ भी कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं रह सकता काउंटर इंसर्जेंसी में आफ्टर ऑल एयरफोर्स या नेवी क्या करेगी इन तीनों वजह से आर्मीज़ में ये इंटरेस्ट रहा है इन्वॉलमेंट में एक छोटा पॉइंट मुझे इसमें ऐड करना चाहिए कि कूज़ भी कई प्रकार के होते हैं कुछ मुल्कों में आप देखोगे कि ज़्यादातर कूज जो होते हैं वो सीनियर ऑफिसर्स या आर्मी की लीडरशिप करती है कुछ और कंट्रीज़ में एक फिनोमिनल होता है जो कहा जाता है कर्नल्स को अच्छा। जिसमें कई बार आप देखेंगे कि जूनियर ऑफिसर्स या मिड रैंकिंग ऑफिसर्स अपने सीनियर्स को भी हटा के आ, आ, पॉलिटिकल सिस्टम पे या स्टेट पे कब्जा कर लेते हैं और कई बार ये कर्नल्स को जो होते हैं वो उस वक्त पैदा होते हैं जब आर्मी का एक सेक्शन जो समाज से ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता है वो करप्शन या इकोनॉमिक इनकॉलिटी के खिलाफ इंटरवीन करता है तो कू भी कई फ्लेवर में आते हैं पाकिस्तान में जनरली एलिट कू रहे हैं जहाँ टॉप ऑफिसर्स के कंसेंसस से पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेरेंस रही है और लेकिन हमने देखा है पिछले सालों में कि इमरान खान को भी हटाने के लिए आर्मी को नहीं कर पाई या सीधा सामने आके उसको हटा नहीं पाई उनके पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू ही एक्ट करना पड़ा अब भी पूरा ये जजेस मामला में जैसे दिख रहा है और रिसेंट इलेक्शंस में हमें देख रहे हैं कि आर्मी अपना बस पूरी तरह चला नहीं पाई तो सोसाइटी डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग स्टेज ऑफ ट्रांजिशन में चले गया है और इस क्राइसिस से निकलते हुए पाकिस्तान का सियासी रूप क्या बनेगा वो मेरे ख्याल से इंडिया में हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए ओपन आक्रोश देख सकते हैं और क्या आपको लगता है कि बढ़ती वित्तीय कठिनाइयों राजनीतिक अस्थिरता सेना के खिलाफ आक्रोश तालिबान के साथ संघर्ष जैसी सभी घटनाओं के साथ पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण राज्य के तौर पर अपनी रेलेवेंस खो रहा है और क्या मैप पर उसका जो स्थान है और परमाणु हथियार ही ऐसी चीजें हैं जो उस देश जो देशों को पाकिस्तान में रुचि बनाए रखती है यस सिंपल आंसर एक शब्द में मैं देख सकता हूँ आदित्य जी बिल्कुल आपका एनालिसिस सही है मेरे विचार में कम से कम इसमें थोड़ा नुआंस करने के लिए आई थिंक दो तीन और पॉइंट इसमें लाए जा सकते हैं Uh, पहली बात ये है कि पाकिस्तान uh, की अहमियत हमेशा जियो के वजह बनी और कभी कभी गलत फहमियों के वजह विंस्टन चर्चिल जो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे उनकी ये uh, बहुत गहरी एक बिलीफ थी uh, कि हिंदू कौम जो थी वो एफीट थी uh, 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 कि वो अपनी रक्षा नहीं कर पाएगी और उनको लगा कि इवेंचुअली साउथ एशिया में uh, मुस्लिम ही रूल करेंगे सिंपली बिकॉज हिंदुओं की वो औकात ही नहीं थी और ये अपनी डायरीज़ में काफ़ी स्पष्ट और uh, लफ्ज़ों में वो लिखे थे कई बार और ये थिंकिंग ब्रिटिश कॉलोनीलिस में काफ़ी वाइड स्प्रेड थी उनको ये भी लगा कि पाकिस्तान बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर एक मुस्लिम स्टेट साउथ एशिया के डिफेंस के लिए नहीं होगा तो कम्युनिस्ट uh, रूस से साउथ से फैल के पूरे रीजन पे कब्जा कर लेंगे सर फ्रांसिस ट्यूकर जो लास्ट कमांडर इन चीफ थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के उनके मेमोअर्स में ये आर्गूमेंट दिया है कि पाकिस्तान uh, क्यों क्रिएट कर जा रहा था और ये काफ़ी सारे बायसेज़ ये रेसिस्ट बायसेस आइडियोलॉजिकल बाइसिस अमेरिकन थिंकिंग में भी थे uh, यहाँ तक कि uh, अमेरिका के टॉप लीडर्स को लगा कि uh, गोरखे जो हैं uh, वो मुसलमान हैं और देरफोर मतलब पाकिस्तान को सपोर्ट देना चाहिए क्योंकि गोरखे ही कम्युनिस्ट को हरा पाएंगे और इंडिपेंडेंट पाकिस्तान के इतिहास में आप देखें तो लगातार एक uh, प्रो पाकिस्तान या एंटी कम्युनिस्ट uh, पॉस्चर के वजह पाकिस्तान के एंटी कॉम्युनिस्ट पॉस्चरिंग के वजह वो उसकी एक अहमियत बनी प्रेसिडेंट निक्सन, निक्सन के रिचर्ड निक्सन के टाइम चाइना के आउटरीच के लिए जो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट पोजीशन था उस वक्त पाकिस्तान काम में आया अफ़ग़ानिस्तान में काम में आया लेकिन आज की तारीख जब यूनाइटेड स्टेट्स काफ़ी हद तक साउथ एशिया रीजन अफ़गानिस्तान सेंट्रल एशिया से हट गया है ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की अहमियत वैसे ही खत्म हो रही थी ये इकनॉमिक क्राइसिस के पहले और अब तो यहाँ तक बात पहुँच गई है कि चीन भी कोई उनको बचाने के लिए छलांगे नहीं मार मान रहे कुछ डेटरी रिस्कड्यूलिंग जरूर की है जो बाकी दुनिया में और बहुत सारी स्टेट्स ने की है लेकिन आई थिंक ये डिसइंटरेस्ट का भी एक लिमिट है कोई दुनिया में न्यूक्लियर परमाणु हथियार से एक स्टेट को कभी ख़त्म नहीं होने देगा सिंपली okay. बिकॉज uh, इसके ख़तरे बहुत ज़्यादा होंगे कोई कह नहीं सकता किसके हाथ वो हथियार पड़ेंगे किस हालात में वो इस्तेमाल किए जाएंगे और किसके खिलाफ़ इस्तेमाल किए जाएंगे भारत भी नहीं चाहेगा कि कल कोई पाकिस्तान में कट्टरपंथियों या आ, क्रिमिनल एलिमेंट से जुड़ी हुई सरकार का लाए क्योंकि हम भी नहीं चाहेंगे कि ये हथियार किसी क्रिमिनल या टेररिस्ट ग्रुप के हाथ पड़ जाए तो मेरे ख्याल से दुनिया ये कोशिश करेगी कि पाकिस्तान की किसी तरह स्टेबिलिटी बरकरार रखी जाए कोई नहीं चाहेगा कि परमाणु हथियारों की भी बात छोड़िए कोई नहीं चाहेगा कि अरबों रेफ्यूजीज देश छोड़ के इधर उधर जाने लग जाए जी। तो यस पाकिस्तान की इम्पोटेंस इं, खत्म हुई है लेकिन पाकिस्तान बहुत बड़ा देश है उसकी आबादी बहुत बड़ी है कभी कभी हम ये भूल जाते हैं और कोई नहीं चाहेगा कि इतने इकोनॉमिकली वाइटल रीजन में मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया ईस्ट एशिया के बीच में कि यहाँ कोई नेशन स्टेट का इम्प्लोजन हो अब कभी कभी नेशन दुनिया के एफ़र्ट्स के बावजूद ये इम्प्लोजन ज़रूर हो जाते हैं और नेशन स्टेट्स कोलैप्स कर जाते हैं आखिर सोवियत यूनियन टूट पड़ा था और किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे होगा तो वी डोंट नो पाकिस्तान में क्या होगा नहीं होगा बट uh, डेफिनेटली वहाँ इंस्टेबिलिटी ना हमारे इंटरेस्ट में होगी ना दुनिया के इंटरेस्ट में है अगला सवाल आज का आखिरी सवाल लूंगी संकल्प का वो बोल रहे हैं कि पूरे सम्मान के साथ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जब भी पाकिस्तान में कोई पत्ता हिलता है तो मीडिया क्राइस वूल मैं जानता हूं कि आपको लगता है कि सेना कमज़ोर हो गई है और शायद आप सही हैं लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सेना व्यवस्था में इस कदर घुस गई है कि सबसे कमज़ोर स्थिति में भी वो पाउंड ऑफ फ्लैश एक्सट्रैक्ट करने में सक्षम है इनिशियली न्यायपालिका ने इमरान खान का पक्ष लिया लेकिन थोड़े प्रयास से सेना न्यायाधीशों के या जजों को धमकाने में सक्षम हो गई रिक चुनाव के बावजूद जनता अर्थव्यवस्था से लेकर टीटीपी तक हर दूसरे मामले पर वैसे ही रही है जैसे वो रहती है या वो करती है पिछले 2 सालों में चुप्पी को देखते हुए क्या हमें इसे केवल पाकिस्तान में एक और दिन नहीं आ, कहना चाहिए मुझे नहीं पता कि जिन्ना क्या चाहते थे लेकिन पाकिस्तान एक मिलिशियो थियोक्रेटिक स्टेट है जहां केवल मुलाज और सेना की खुशी या आराम ही मायने रखती है क्या हम पाकिस्तान को असफल अफगानिस्तान करार दे सकते हैं <laughs> शायद मतलब मुझे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की शुरुआत से ही आ, ये एक थियोक्रेटिक स्टेट के ट्रैपिंग ज़रूर थे अब ये थीसिस जो होती थी आ, कि मोहम्मद अली जिन्ना बेसिकली एक सेक्युलर माइंडेड लीडर थे आ, और वो चाहते थे कि एक सेक्युलर पाकिस्तान बने उस पर बहुत सारे स्कॉलर्स वेंकट धोलीपुला से लेके इश्तिया अहमद और कई और लोगों ने काफ़ी सवाल उठाए हैं और जिन्ना की रिसेंट हिस्टोरियोग्राफ़ी जो है वो बिल्कुल मतलब फ्लैटरिंग नहीं है और शुरुआत से ही आर्मी का जो बहुत बड़ा रोल बना वहाँ आर्मी ने जो समझौते किए थियोक्रेटिक फोर्सेस के साथ अपनी लेजिटिमेसी बनाने के लिए इन सब से पाकिस्तान का एक बड़ा अजीब सा रूप बना और पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी के रूट्स तो उसी से उसी इतिहास से जुड़े हुए हैं ये मैं बिल्कुल मानता हूँ मैं ये भी आपसे सहमत हूँ इस बात पे भी सहमत हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो अभी भी एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन रहती है शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है और ज़्यादा ताकतवर है उसके पास रिसोर्स का, का काफ़ी हद तक कब्जा है जी पाकिस्तान में सबसे बड़ी अगर एक सबसे बड़े औलीगार एक समझ के, के माना जाए तो वो फ़ौज ही है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही जो है अब सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड है देश का तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है आ, लेकिन फ़ौज की मेरे ख्याल से इस पर कोई शक नहीं हो सकता जो 20 साल पहले या 30 साल पहले ताकत थी वो उसकी नहीं है आ, सवाल ये उठता है कि 1999 में जब आ, सदर परवेज़ मुशर्रफ़ मोरलेस अपनी मर्जी पे कू कर ले पाए और आ, आ, नवाज शरीफ को एग्जाइल में भेज पाए जेल में धकेल पाए आ, इतने सालों बाद एक और आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा वो क्यों नहीं कर पाया इमरान खान के साथ जब आ, पिछले टाइम में फ़ौज अपनी मर्जी से लीडर्स को बैठा पाए हैं हटा पाए हैं इस वक्त पूरी दबाव करने के बाद पूरी कोशिश करने के बावजूद फ़ौज अपने मनपसंद पॉलिटिशियन को अच्छी मेजॉरिटी क्यों नहीं दिला पाया इमरान खान को जेल में धकेलने के बावजूद पाकिस्तान आर्मी क्यों स्ट्रगल कर रही है अपने नैरेटिव को बेचने में ये सारे सवाल हमें पूछने चाहिए और मेरे ख्याल से इसका जवाब हमें इसमें ही मिलेगा कि पाकिस्तान की आवाम अब समझने लगी है कि जो कहानियाँ उसे बेची गई हैं शायद वो सच नहीं है फैक्ट ये हर पाकिस्तान पाकिस्तानी के सामने है कि जब पचास साल पहले पाकिस्तान लगभग हर चीज़ में इकॉनमी में पर कैपिटल इनकम में इंडिया के काफ़ी आगे था आज वो इतनी पीछे क्यों पड़ गया है और ये सवाल मैं पाकिस्तान के अब मैं आ जा तो नहीं सकता पाकिस्तान से लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया को देखते हुए पाकिस्तान में लोगों से बात करते हुए लगता है ये बहुत उनके समाज में क्वेश्चन उठने लगे हैं लोग ये भी देखने लगे हैं कि आर्मी जो वायदे कर रही थी कि वो पाकिस्तान की हालात सुधारेगी इकॉनमी को टाइट करेगी आ, लोग देखने लग गई है कि इन वादों में शायद एक तो पाकिस्तान के आर्मी की एबिलिटी नहीं है डिलीवर करने का पर ये भी समझ गई है कि बहुत हिपोक्रेसी है जी। जब पाकिस्तान के आवाम को ये कहा जा रहा था कि उनको अपनी बेल्ट टाइट करनी चाहिए टैक्स ज़्यादा देना चाहिए हार्डशिप एक्सेप्ट करनी चाहिए जी। वो सफरिंग को बड़े जनरल्स और सीनियर ऑफिसर्स बिल्कुल शेयर करने को तैयार नहीं है एंड मोस्ट ऑफ ऑल 20 साल के इंसर्जेंसी से क्लियर हो गया कि पाकिस्तान की फ़ौज वो भी नहीं कर सकती थी जिसके लिए बनाई गई है यानी वो पाकिस्तान को सुरक्षा नहीं दे पा रही तालिबान के हमले जैसे आपने कहा लगातार चल रहे हैं बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी चल रही है तो ये सारा देख के ये नहीं हुआ कि लोग चाहते कि पाकिस्तान की आर्मी ख़त्म हो जाए या पाकिस्तान की आर्मी से उनका मतलब जो पेट्रियाटिक कनेक्शन है वो ख़त्म हो गया लेकिन डेफिनेटली सवाल लोग पूछने लगे हैं और खुल के पूछने लगे हैं जिस तरह शायद वो 20 साल पहले लोग फ़ौज का मजाक तो उड़ाते थे भुटो साहब के एग्जीक्यूशन के बाद बहुत सारे क्रिटिसिजम्स तो आए लेकिन खुल के ऑर्डनरी लेवल के लोग पे ऐसे नहीं आए थे और जो इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हमने देखा कि लोग जगह जगह आर्मी ऑफिसर्स के बंगलों पे हमले कर रहे थे उनकी चीज़ें चुरा रहे थे ये तो मतलब एक नए स्टेज पे ही बात चली गई तो एज आई सेड अभी पाकिस्तान का दिशा समझना बहुत मुश्किल है लेकिन ये छह जजों का विद्रोह जो है मेरे ख्याल से एक वाइडर कैनवस का बहुत अहम हिस्सा है कि सिविल सोसाइटी के अलग अलग इंस्टीट्यूशन अब पुश बैक करने लगे हैं और सवाल पूछने लगे और उन लोगों से सवाल पूछने लगे जिनसे सवाल पूछना कुछ वक्त पहले गारंटीड सजाए मौत होती चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यही खत्म होता है आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद